देती है। हेलो 19 कांग्रेस पार्टी के सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अगर किसी भी जो निर्दलीय जो समर्थित विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थित किया था और जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट देती है तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कांग्रेस में भी रहेगी, क्योंकि अगर उन पर विश्वास जताया जिन्होंने सरकार बचाई तो उन लोगों का क्या जो कांग्रेस की ओर से लगातार चुनाव लड़ते हैं और जो कांग्रेस के वर्कर माने जाते हैं, उन लोगों के बीच में असंतोष होगा और ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस में बगावत सुर इख्तियार हो और विरोध की लहर उठे। अगर और ऐसा अगर हुआ तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज में नजर आएगी और उसका डैमेज कंट्रोल फिलहाल कांग्रेस के पास होगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित दल माना जाता है उसमें उसने भी जब पहली सूची का ऐलान राजस्थान को लेकर किया तो हमने देखा कि किस कदर आज तक विरोध हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इन सब के बीच आखिरकार जब पहली सूची का ऐलान होगा तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार टिकट वितरण में सबसे ज्यादा चलती किसकी है और क्या वाकई मौजूदा विधायकों को टिकट काटे जाएंगे, और नहीं काटे जाते तो उसका असर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है कि करीब 1 दर्जन ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन पर दाव खेला जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि फ्रेश होंगे, न्यू कमर होंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे। तो करीब 1 दर्जन नए चेहरों पर भी दाव इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी लगाने जा रही है, क्योंकि लगातार कई दौर की मैराथन बैठकें हुई, पहले जयपुर में लगातार बैठकें हुई, कई पर्यवेक्षक लगाए गए, कई ऑब्जर्वर्स को भेजा गया, प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना फीडबैक सौंपा है एसीसी को, प्रदेश कांग्रेस का अलग से सर्वे करवाया गया, सुनील कानूनगो के नेतृत्व में टीम ने अलग से सर्वे करवाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अलग से सर्वे करवाया गया। तो किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो टिकट वितरण में, इसको एंश्योर किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि लगातार कांग्रेस चाहती है कि जिताऊ लोगों को ही टिकट दिया जाए, जिताऊ लोगों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि सरकार रिपीट की जा सके, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है, जिसके आधार पर सरकार रिपीट हो सकती है और सरकार रिपीट होगी, ये दावे और वादे किए जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व से भी और दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेताओं की ओर से भी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो लगातार इन बातों को लेकर दम्भ भरते नजर आते हैं कि सत्ता और संगठन ने परस्पर सहयोग के साथ, परस्पर सामंजस्य के साथ बेहतरीन काम किया है जिसके आधार पर सरकार रिपीट होगी। ऐसे में इन तमाम दावों के बीच टिकट वितरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि टिकट वितरण किस कदर होगा उस पर सभी की निगाहें होंगी और उस पर हार जीत भी मायने रखेंगी, क्योंकि अगर टिकट वितरण के पास असंतोष पनपा, विरोध पनपा, विरोधी स्वर उठे या बगावत हुई तो स्वाभाविक है कि उसका खामियाजा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा और उसके अंजाम ये भी हो सकते हैं कि राजस्थान से कांग्रेस को विदाई लेनी पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी पेशकश में कहीं ना कहीं स्ट्रांग बैटिंग कर रही है। हालांकि विरोध बीजेपी में भी हुआ, बीजेपी में साफ तौर पर 41 नामों की पहली सूची आई, 7 वर्तमान सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद लगातार विरोधी स्वर भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में उठ रहे हैं, लेकिन उसके डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में भी अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो कांग्रेस उसको किस रणनीति के साथ भेजेगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है, सीईसी की बैठक हो रही है, क्योंकि राजस्थान को लेकर पहली बार सीईसी की बैठक हो रही है और सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची का ऐलान होगा और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सीईसी की बैठक से पहले कई दौर की मैराथन बैठकें हुई हैं, कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और उन तमाम चीजों में इसी बात को लेकर मंथन हुआ कि आखिरकार किन लोगों पर विश्वास जताया जाए, किन्हें टिकट दी जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ प्रत्याशियों को टिकट चुनावी मैदान में उतारा जाए। वहीं सबसे बड़ी चुनौती अगर कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ आती है तो वो यही है कि कांग्रेस चाहती है कि जिन विधायकों के सामने जिन विधायकों की वजह से एंटी इनकम्बेंसी है, जिन विधायकों की विरोध है उनके क्षेत्र में वो निष्क्रिय रहे, उनका टिकट काटा जाए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 4 दिनों में जमकर बवाल हुआ। मंत्री जाहिदा खान जो कि भरतपुर की कामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं, उनके समर्थकों ने भी और उनके विरोधियों ने भी जमकर बवाल काटा, क्योंकि समर्थक चाहते हैं कि टिकट उनको ही दी जाए। वहीं विरोधियों के भी अपने अपने दावे हैं। विरोधी साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि मंत्री जाहिदा खान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद की चरम सीमा को पार किया गया है। ऐसे में मंत्री जाहिदा खान पर विश्वास न जताते हुए उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि करीब 1 दर्जन या यूं कहें कि 10 प्रत्याशी या दावेदार ऐसे हैं जो वहां पर कांग्रेस के सिंबल के लिए तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहना है कि किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए ताकि कांग्रेस वहां से जीत सके। और अगर वाकई जाहिदा खान को टिकट दिया गया तो वो तमाम जो विरोधी हैं वो मुखर नजर आएंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस के सामने एक समस्या और भी है कि अगर जाहिदा खान की टिकट काटी तो उनके समर्थक मुखर हो जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी उसको भेजने के लिए किस रणनीति पर काम करेगी वो देखना होगा। ऐसा ही नजारा जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट पर देखा गया, जो कि काफी पॉश सीट मानी जाती है, काफी पॉश इलाका है मालवीय नगर, जयपुर की हॉट सीट भी है। उस पर पिछले 2 चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़े अर्चना शर्मा ने, हालांकि दोनों के दोनों चुनाव अर्चना शर्मा हारी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछले 2 बार से लगातार चुनाव लड़ने वाली अर्चना शर्मा का विरोध वहां के स्थानीय कांग्रेस जन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि वो 2 बार से लगातार चुनाव हार रही है। अब की बार भी उनकी जीत के आसार नहीं है। ऐसे में किसी नए व्यक्ति पर पार्टी विश्वास जताए। और कल तो रोचक तस्वीर देखने को मिली कि मालवीय नगर से जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो राजीव अरोड़ा हो, चाहे वो महेश शर्मा हो, संगीता गर्ग हो, इन तमाम लोगों ने सामूहिक तौर पर एकजुटता दिखाते हुए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को ज्ञापन भी दिया और साफ तौर पर कहा कि अर्चना शर्मा का टिकट काटा जाए, अन्यथा कांग्रेस हारेगी। अमृता धवन जो कि सह प्रभारी है कांग्रेस की और जयपुर की इंचार्ज हैं, उनको भी अवगत करवाया गया इस प्रकरण से और साफ तौर पर कहा गया कि इनका टिकट काटा जाए, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। ऐसे में अब बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के कुनबे से खबरें आ रही हैं, कांग्रेस में विरोधी स्वर उठ रहे हैं टिकट वितरण से पहले ही, तो क्या वाकई में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में कामयाब होगी? और अगर ऐसा होता है तो वाकई दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 100 सीटों पर मंथन, सिंगल पैनल तय हो गए। पहली सूची अगर आज आउट हो जाती है तो उसके बाद स्वाभाविक है कि विरोधी स्वर भी उठेंगे और कई लोग जश्न भी मनाएंगे, जिस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, जो कि देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पहली आधिकारिक सूची ऐलान होने का इंतजार सभी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक लिस्ट भी आउट नहीं कर पाई है। ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस सीईसी की बैठक हो रही है और सीईसी की बैठक से पहले कई दौर का मंथन हुआ, कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई ताकि पहली सूची जारी हो, निर्विवाद नाम हो, किसी प्रकार का असंतोष नहीं हो कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद और विरोधी स्वर न उठे। बहरहाल सभी की निगाहें हैं कि कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार का कॉन्फिडेंस लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और कांग्रेस पार्टी पहली सूची में किन लोगों पर अपना विश्वास जताती है। कितना बोलूं अब? अभिषेक हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने बटा हुआ फैसला देते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से किया इंकार। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने और बाकी सुविधाएं देने के लिए कमेटी बनाने पर विचार किया जाए। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। राजस्थान बीजेपी का बड़ा कुनबा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में शामिल हुए भवानी सिंह कालवी, साथ ही विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी थामा बीजेपी का दामन। अर्जुन राम मेघवाल और सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। महाराष्ट्र के पुणे के स्वामीनारायण मंदिर के पास हाईवे पर एक ट्रक में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 यानी कि GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। रैपिड रेल के पहले फेज का होगा उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में हुए भीषण विस्फोट से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी से तापमान पहुंचा -4 डिग्री। धाम में कड़ाके की ठंड के बावजूद पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन असम के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों का लगा जमावड़ा। 51 शक्ति पीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर।